है कि विंड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। विंड इज एयर इन मोशन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जो एयर मूव नहीं कर रही उसको विंड नहीं कहते, तो एयर जो मूव कर रही होती है उसको विंड कहते हैं। और इसमें जो एयर है वो हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब ये है कि एयर इन मोशन जो है उसको विंड कहते हैं। अब यहाँ दो तीन बातें डिस्कस करने वाली हैं। एक तो ये है कि जो एयर है उसका उसका क्या मतलब है। एयर ये एटमोसफेयर एक्चुअली एक ही चीज है, और एयर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और जो है इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन है 78.08%, उसके बाद इसमें ऑक्सीजन है 21%, इसके बाद आर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और बाकी इसमें ट्रेस गैसेज हैं। तो एयर जो है, इसके अलावा चंद बातें मैं और बताता चलूं कि एयर जो है उसके डिफरेंट लेयर्स हैं। जिस लेयर में हम खड़े हुए हैं इसको कहते हैं ट्रोपोसफेयर, उसके बाद इसके ऊपर है स्ट्रेटोसफेयर, फिर इसके ऊपर है मेसोसफेयर, उसके ऊपर है थर्मोसफेयर, उसके ऊपर है एक्सोसफेयर, और उसके बाद फिर स्पेस आ जाती है। इसका मतलब है कि टोटल ये 5 लेयर्स होते हैं जो कि एयर के होते हैं। इन 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 5 लेयर्स के अंदर जो है 2 स्पेशल लेयर्स भी होते हैं, और इनमें से एक लेयर है जिसका नाम है आयोनोसफेयर, और एक इसमें होता है जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर।